So we've been trying to catch this little fucking mouse. दोस्तों, इस भागदौड़ ने तो हमारी हंसी ही छीन ली है, जबकि हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक बार दिल खोलकर हंसना मतलब जी भरकर मन हल्का। तो बामुलाइजा हो जाइए हंसने को तैयार, क्योंकि आपको हंसाने, गुदगुदाने और खिलखिलाने आपका अपना द वायरल नामा लेकर आया है फनी मोमेंट्स की एक और खास पेशकश। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हंसते हंसते लोटपोट न हो जाओ तो कहना। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ ये भैया जी अपने दोस्त से ये 360 डिग्री का हीरोगिरी का वीडियो शूट करवा रहे हैं। इनका फिरेंडवा भी पूरी शिद्दत से अपने दोस्त का सपना पूरा करने की कोशिश में लगा है। एक दोस्त तरह तरह के पोज दे रहा है तो दूसरा गोल गोल चक्कर लगाकर वीडियो शूट कर रहा है। लेकिन जब पोज और चक्कर पूरे हो गए और दोनों ने रिकॉर्डिंग वीडियो देखा तो देखकर हक्के बक्के रह गए। इस धरती से आंदोलनों की शुरुआत अभी हुई है। यहाँ ये भैया जी किसी आंदोलन को लेकर इन गांव वालों को भाषण दे रहा है। इन्हीं में से एक ग्रामीण भाषण सुनते हुए तंबाकू मलने लगता है। वो तंबाकू तैयार करने के लिए जैसे ही हथेली को मारता है तो दूसरे लोग भी तालियां बजाने लगे। उनको लगा कि किसी ने ताली बजाकर भाषण का समर्थन किया है। भाषण देने वाला भी हैरान था कि आखिर तालियां किस बात पर बजी। तेलंगाना में जब पुलिस को नदी में एक व्यक्ति के डूब जाने की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। अब जैसे ही पुलिस उसे बाहर निकालने लगी तो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। यह देख पुलिस वालों के तो तोते ही उड़ गए। वो जिसे डेड बॉडी समझ रहे थे वो तो जीता जागता आदमी निकला। कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल यह शख्स ग्रेनाइट की खदान में काम करने के चलते तपा हुआ था, इसलिए अपने शरीर को ठंडक देने के लिए दो घूंट लेकर पानी में लेटा हुआ था, जिसे लोगों ने डेड मानकर पुलिस को बुला लिया। रील बना रहे इन निब्बी निब्बियों को देखिए। अरे बाबा, इनको नहीं रहे, इनके पीछे वालों को। भैया जी की पकड़ ढीली क्या हुई, भाभी जी दे धड़ाम। सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधे नीचे आ गई। लेकिन हाय रे कलजुग, इन दोनों का डांस ही खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ दो रील के चक्कर में ये भैया जी अपना मोबाइल ही गंवा बैठे। 2 सेकंड पहले ये मोबाइल स्टेशन पर खड़े भैया जी के पास था और 2 सेकंड बाद ट्रेन में सवार इस चोर जी के पास। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस हरियाणवी दादी का मिजाज तब गर्म हो जाता है जब कॉल लगाने पर कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस में लड़की बोलती है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। दादी जी को लगा कोई लड़की कॉल रिसीव करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, जिस पर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। तू क्यों दे रही है फिर उत्तर? तेरा क्या मतलब है जब हम कर रहे हैं? भाई तोपे क्या सर पड़ रहा है ना, बता दे। तू एकदम का वो बोल पड़े बीच में। यहाँ पूजा के दौरान पंडित जी यजमान को उसके सिर पर जल डालने को कहते हैं, मगर ये शख्स उनकी बात नहीं समझ पाता और पंडित जी के माथे पर जल छिड़क देता है। हमारी गदर फिल्म से मोटिवेट होकर इन फिरंगियों ने हैंडपंप तो लगा लिया, लेकिन उससे पानी पीने के लिए हिंदुस्तानी दिमाग कहां से लाएंगे? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। इस वीडियो में तो ऑस्ट्रेलियन लड़के ने जब जय श्री राम के नारे लगाए तो बदले में लोगों ने ऑस्ट्रेलिया माता के जयकारे लगवा दिए। ऑस्ट्रेलिया माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यहाँ ये सभी दोस्त मिलकर पेड़ की डालियों पर झूला झूल रहे हैं
लेकिन इस भोले भंडारी को क्या मालूम कि उसके कमीने दोस्त मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब दोस्तों ने मिलकर एक साथ पेड़ को छोड़ दिया और भोला भंडारी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ वापसी में धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत। चीटिंग करता है तू। भीख मांगने वाले इस चच्चा और उसके साथी की पोल तब खुल गई जब एक बंदे ने उनकी होशियारी पकड़ ली और उनका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद चच्चा ने जो जवाब दिया वो सुनकर आपका इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाएगा। आप भी सुनिए। हाँ जी चाचा, चाचा जो इसमें बैठे थे वो कहाँ हैं? पैदल आ रहे हैं। वार वार। ये जो आ रहे हैं तो भाई देखो ये जो है इसमें पानी भरी गया और ये आ रहे हैं, ये बैठते हैं इसमें। अब देखो चल के आ रहे हैं, वैसे इनसे चला नहीं आता। गलत बात है चाचा, फिरोड कर रहे हो ना? है चाचा फिरोड कर रहे हो ना? इसका मतलब फिरोड आदमी हो। है भाई कह रहे हैं। हाँ तुमसे तो चला नहीं जाता, इसमें बैठते हो तुम, अब कैसे चल रहे हो? लो सही बात, अब चलो बैठ। सड़क पर कोई स्टंट कर रहा है तो संभल जाइए, क्योंकि स्टंट करोगे तो बहुत कुछ टूट फूट सकता है। वैसे स्टंट तो ये दीदी भी कुछ कम नहीं कर रही। इनको ठुमके लगाने के लिए सिलेंडर से बेहतर जगह कोई नहीं लगी। इनको भी हमारा यही संदेश है, दीदी जरा संभल कर, ऐसे स्टंट करोगी तो नुकसान हो सकता है। यहाँ ये लड़का कितनी आसानी से पानी में निशाना लगाकर एक के बाद एक पत्थर बिना नीचे गिराए ही सीधा ग्लास में डाल रहा है। लेकिन रुको, जरा सब्र करो, इस निशाने का असली सच देखते जाइए। रामलीला के बीच ब्रेक टाइम में रावण का वेश धरे ये महाशय अपनी गुटके की तलब को रोक नहीं पाए और स्टेज पर ही शुरू हो गए, फिर वायरल भी खूब हुए। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप मेट्रो में रील बनाने से पहले हजार बार सोचेंगे। यहाँ ये बंदा मोबाइल कैमरा ऑन करके जैसे ही मेट्रो में एंटर होता है, मेट्रो के गेट बंद हो जाते हैं, भैया जी का मोबाइल बाहर रह जाता है और मेट्रो रवाना हो जाती है। रील के चक्कर में भैया जी के साथ तो मोए मोए हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जुगलबंदी क्या बला होती है ये जानना हो तो ये वीडियो जरूर देखें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मार्केट जाओ और सबसे महंगी गाड़ी के पास जाके ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे पीठ लगा के। ये अंकल अमीर बनने का शॉर्टकट बता रहे हैं, और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए आपको ना तो ऑफिस जाना है और ना ही कोई काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंकल ऐसी कौन सी ट्रिक लाए हैं जो जल्दी से अमीर बना देती है, तो देखिए फिर। मार्केट जाओ और सबसे महंगी गाड़ी के पास जाके ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे पीठ लगा के, और ऐसा कोई आदमी देखो जो अपर मिडिल क्लास हो, जिसके पास कुछ पैसे हो सकते हैं, उसको बोलो एक्सक्यूज मी, माय वॉलेट एंड माय कीज एंड माय मोबाइल एक्सीडेंटली कार के अंदर ही रह गया है, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? दिन में 10 से 20 ऐसे लोग होंगे जो आपकी अमीरी और आपकी हैसियत देख के आपको 100 रुपए दे देंगे। महीने का 40,000 रुपया कहीं नहीं गया, बस अपने लुक पे अच्छा ध्यान दो, कपड़े अच्छे पहन के जाइयो, शेयर करो अपने बेरोजगार दोस्तों को ताकि किसी की जिंदगी सुधरे। चुप, बिल्कुल चुप। मंदिर के बाहर तिलक लगाने वाला ये बच्चा ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो नौकरी का रोना रोते रहते हैं। ये बच्चा तिलक लगाकर हर रोज 1500 रुपए कमा लेता है, यानी महीने के 45,000-50,000 रुपए। उसकी ये पगार किसी प्रोफेशनल की मंथली सैलरी के लगभग बराबर है। आप भी सुनिए। बोलू तो तू कुछ नौकरी वोकरी नहीं ढूंढेगा, ये काम अच्छा है, बोल हंस मत, नौकर रखेगा। सुन इधर आ, बोलू बाकी लोगों को भी बता, जो हमारे देश में ना बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नौकरी चिल्लाते रहते हैं। कितने बजे उठता है सुबह? कितने बजे उठता है सुबह? 6 बजे। और रात को क्या करते हो सुबह उठ के? सिंदूर। सिंदूर का काम कब तक? 10 बजे तक। और कितनी कमाई हो जाती है उससे? 1,000। कितना? 1,000। और फिर सिंदूर के बाद चंदन, और ये कब तक चलता है? 8 बजे। और उसमें कितना हो जाता है सच बताना? 500। मतलब सुबह से शाम तक घाट के किनारे रह के खा पी के 1,000-1,500 हो जाते हैं।
मतलब तेरी सैलरी डॉक्टर के बराबर है, 45,000 है। डॉक्टर से कम समझे हो क्या? और ये लिखा इसने, चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास। इस बच्चे की इस होशियारी पर आप क्या कहेंगे? जिसे आंसर नहीं आए तो आंसर शीट से ही टीचर को घूस दे डाली, घूस के 200 रुपए ऐसे अटकाए कि कोई पकड़ भी ना पाए और सीधे टीचर तक पहुंच जाए, आप खुद ही देख लीजिए। और ये लिखा इसने, चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास। और सर ने नोट लगा दिया और नोट लगाने तक की देख मोड़ करके अंदर घुसा रखा इसके अंदर ताकि ये निकले ना इसमें ना। और आगे कुछ नहीं, इस तरह से पास नहीं होते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।